मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब का कहना है कि फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं कि कौमी असेंबली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब का कहना था कि हम अपने कायद को मिलने गए, अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने मिलने नहीं दिया। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ लिया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आइनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, ये पॉइंट नंबर वन है सर। और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जनाब स्पीकर, यहाँ पे बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज को नॉमिनेट किया और बैसियत कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन, यहाँ पे जो मैंने स्पीच भी की और उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी को भी, मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडियाला जेल में। हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर के जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया और ये बारहा बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आईन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आईन की है